प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। मोदी ने नर्मदा जिले के केवड़िया में देश की पहली सी प्लेन सर्विस की शुरुआत की। यह सर्विस नर्मदा जिले के केवड़िया से अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट तक शुरू की गई। इसका किराया 1500 रुपये रखा गया है। सी प्लेन से 200 किलोमीटर का सफ़र सिर्फ 40 मिनट में पूरा हो जाएगा। बाय रोड इतनी दूरी तय करने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। सी प्लेन पानी और ज़मीन पर लैंड कर सकता है। इसके लिए रनवे की ज़रूरत भी नहीं होती। शुक्रवार रात से टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई थी। औपचारिक रूप से सेवा 1 नवंबर से शुरू होगी। केवड़िया और अहमदाबाद में वाटर ड्रोम पर भी टिकट की व्यवस्था की गई है। फिलहाल एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम 1500 रुपये किराया देना होगा। किराया तय सीटों के कोटे के हिसाब से होगा। अधिकतम किराया 4800 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। मोदी ने खुद सी प्लेन का सफ़र किया। मोदी को लेकर सी प्लेन करीब 1 बजे केवड़िया से उड़ान भरी और करीब 1:40 पर साबरमती रिवर फ्रंट पर पहुंच गया। देश में आम आदमी के लिए सी प्लेन की सुविधा देना मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। सी प्लेन में पानी से उतरने और टेक ऑफ करने की क्षमता होती है, जिससे ऐसे क्षेत्रों तक पहुंच होती है जिनमें लैंडिंग स्ट्रिप्स या रनवे नहीं होते हैं। ट्विन ओटर 300 सबसे सुरक्षित और सबसे लोकप्रिय सी प्लेन है। ये दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले विमानों में से एक है। पीएम मोदी ने पहली बार साल 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सी प्लेन का सफ़र किया था। तभी उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ान भरी थी। तब पीएम मोदी साबरमती रिवर फ्रंट से उड़ान भरकर 49 किलोमीटर दूर धरोई डैम पहुंचे थे। वहां पीएम ने मशहूर अम्बा देवी के दर्शन किए थे और फिर सी प्लेन से वापस साबरमती रिवर फ्रंट पर लैंडिंग की थी। तब पीएम मोदी के सी प्लेन से सफ़र करने को लेकर काफ़ी सियासत भी हुई थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।